हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अपने इमोशंस के बारे में और हम लोगों ने देखा था टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमोशंस को। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने इमर्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ इमोशंस को और एट लास्ट में हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस के बारे में। यानी आज की वीडियो में हमारा इमोशन टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सस्पेंशंस के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इमर्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में। तो देखो यार, हमें पता है कि जो हमारा इमर्सन है वो किसका मिक्सचर होता है, ऑयल और वाटर का। अब ऑयल और वाटर यहाँ पे एक दूसरे में मिक्स तो होते नहीं है, तो यहाँ पे इमर्सन को तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमर्सिफाइंग एजेंट्स का यूज करते हैं। अभी इमर्सिफाइंग एजेंट्स करते क्या हैं, देखो ये जो हमारा ऑयल और वाटर होता है ना, उन दोनों को आपस में मिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हमारा ये इमल्सन है और ये हमारा मान लो वाटर है और ये हमारा ऑयल है, तो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट यहाँ पे क्या करता है, ये इन दोनों को आपस में जो है मिक्स कर देता है, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है एक जो है स्टेबल इमल्सन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स विच रिड्यूसेस द इंटरफेशियल टेंशन। यानी कि देखो यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, ये जो लेयर है ना, ये जो बीच वाली, इसी को हम लोग यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन कहते हैं। अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा अलग टॉपिक है, बट यहाँ पे आप लोग थोड़ा शॉर्ट में समझो। अब यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट्स वर्क कैसे करता है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग को अपने आने वाले सेमेस्टर्स में स्टडी करना है। बट यहाँ पे आप लोग बस सिंपली समझो कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स यहाँ पे जो बीच की लेयर है, यानी कि इन दोनों के बीच में ये वाली जो लेयर है, इसको यहाँ पे रिड्यूस कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ऑयल और वाटर है उनको यहाँ पे मिसिबल कर देता है, यानी एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और हमें एक स्टेबल इमल्सन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट्स को हम लोग जो है इमल्सिफायर्स के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पे हमारे बहुत सारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स हम लोग जो है अपनी इमल्सन्स के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा एक बेसिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है लगभग मतलब कई सारे टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है हमारा नेचुरल है, ठीक है, फिर सेमी सिंथेटिक है, फिर सिंथेटिक है, इनऑर्गेनिक है, और फिर यहाँ पे अल्कोहल्स या फिर इसी को हम लोग जो है ऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स भी कहते हैं। अब जो हमारा नेचुरल है तो इसमें भी हमारे दो सब टाइप हैं, जैसे पहला है हमारा वेजिटेबल सोर्स, यानी कि जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, ठीक है, और दूसरा है एनिमल सोर्स, यानी कि जो हमें एनिमल्स वगैरह से मिलता है। तो वेजिटेबल सोर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा गम अकाशिया हो गया, ठीक है, अगर हो गया, ट्राइकोकॉन्थ हो गया, स्टार्च हो गया, और एनिमल सोर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा एगियाक हो गया और जिलेटिन हो गया। और इसी तरीके से यार आप लोग मतलब इसको पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली आप लोग को थोड़ा सा याद करना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि मतलब आप इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए और कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए, तो आप लोग थोड़ा मतलब इसको बेसिकली याद कर लेना। अब हम लोग बात करें यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है तो वो यहाँ पे केमिकली स्टेबल होना चाहिए। अब देखो इमल्सिफाइंग एजेंट यहाँ पे क्या करता है, हमारे जो इमल्सन है उसमें ऑयल और वाटर को एक साथ मिक्स करके उसको एक स्टेबल इमल्सन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यार अगर ये खुद ही नहीं स्टेबल होगा तो हमारी इमल्सन को कैसे स्टेबल करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये खुद स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो जैसे हमारा जो इमल्सन है तो उसमें और भी तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे हमारा ऑयल हो गया, वाटर हो गया, उसके अलावा कभी कभी हम लोग जो है प्रिजर्वेटिव्स और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, यानी जो हमारे एक्सीपिएंट्स होते हैं, तो उनके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है वो यहाँ पे जाके हमारे इमल्सन्स के जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे जाके रिएक्ट करने लग जाए, रिएक्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी कि हार्मफुल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग इंटरफेशियल टेंशन, यानी जिस काम के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं उसमें तो ये कैपेबल होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन्स के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है अपने इमल्सन को तीन तरीके से बनाते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ, बनाना, यानी इमल्सन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो हमें जो है तीन मेथड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है ड्राई गम मेथड, दूसरा है वेट गम मेथड, एंड थर्ड है हमारा बॉटल मेथड। तो इन तीनों को हम लोग थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे ड्राई गम मेथड की, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो हमारा, अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एक चीज़ समझो कि जो हमारा इमल्सन की प्रिपरेशन है उसमें बेसिकली हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है, पहला ऑयल, दूसरा वाटर, ठीक है। ऑयल वाटर तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि इमल्सन बना रहा है, और उसके बाद हमें चाहिए गम। अब ये गम क्या होता है, गम होता है हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी ये जो हमारा गम है, ठीक है, ये यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है हमारे इमल्सन की प्रिपरेशन में।
तो देखो सबसे पहले जो ऑयल वाटर और गम का रेशियो हमारे ड्राई गम मेथड में होता है वो होता है 4:2:1, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ड्राई गम मेथड है तो इसमें हमें बेसिकली एक मोर्टार और एक पेस्टल की रिक्वायरमेंट होती है। देखो मोर्टार पेस्टल क्या होता है, ये बेसिकली थोड़ा इस टाइप का होता है, आज के ज़माने में तो मतलब बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है, लेकिन पहले हमें जो है देखने को मिलता था, जिसमें मतलब हम लोग जो है मतलब जैसे हमारी दादी वादी होती थी ना, तो वो मतलब कूटने का काम करती थी, लाइक आप कह सकते हो जैसे धनिया वगैरह कूटना होता था ना, तो ये हमारा पेस्टल होता था। तो हम लोग बिल्कुल ऐसे मतलब राउंड घुमा के जो है इसमें जो है पेस्ट मतलब कूटने वगैरह का काम करते थे, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो यार थोड़ा मतलब। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग और जान लो कि जैसे ये जो हमारे मेथड्स हैं, ड्राई गम हो गया, वेट गम हो गया, तो आज के ज़माने में इनका मतलब काफ़ी कम यूज होता है, ठीक है, पहले के ज़माने में मतलब इनका बहुत ज़्यादा यूज होता था। अब यहाँ पे जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ड्राई गम मेथड में सबसे पहले हम लोग जो है ऑयल को लेंगे, ठीक है, और उसको जो है गम के साथ मिक्स कर देंगे और उसके बाद ट्राइटुरेट करेंगे। देखो ट्राइटुरेट मतलब क्या होता है, जैसे जो मतलब जो हमारा मोर्टार एंड पेस्टल है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑयल को जो है गम के साथ मिक्स करेंगे, यानी हम लोगों ने इसमें जो है ऑयल डाला, ठीक है, और गम डाला, ठीक है, ऑयल और गम, और उसके बाद ट्राइटुरेट यानी कि ये जो हमारा ये जो हमारा पेस्टल है, ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि हम लोग इसको गोल गोल घुमा के पीसने का काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये हमारा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो है थोड़े अमाउंट में वाटर को ऐड करेंगे और जो है ट्राइचुरेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, यानी कि हम लोग उसको जो है घुमाना कंटिन्यू रखेंगे, कब, जब तक यहाँ पे क्लिकिंग साउंड ना आ जाए, ठीक है, यानी कि उसको घुमाते घुमाते जो हमारा जैसे हमारा ऑयल है, गम है और वाटर है, इन तीनों को मिक्स करते करते जब एक क्लिकिंग साउंड आ जाए तब तक हमें जो है घुमाते रहना है, ट्राइचुरेट करते रहना है। और उसके बाद देखो होगा क्या कि हमारी एक हार्ड और थिक क्रीम फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट प्रिपेयर किया, ठीक है, यानी हम लोगों ने थोड़ा सा वाटर, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा गम लिया। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी इमल्सन, यानी हमारा इमल्सन का एक बेस तैयार हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है रिमेनिंग वाटर यानी कि जितना और भी रिक्वायरमेंट है उतना वाटर को ऐड करके अपना हम लोग यहाँ पे फाइनल इमल्सन को प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ड्राई गम मेथड में बेसिकली हमारा यही था। अब बात करें हम लोग यहाँ पे वेट गम मेथड की, तो देखो ये भी बिल्कुल ड्राई गम मेथड की तरह ही है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, रेशियो एकदम सेम है, वहाँ पे भी 4:2:1 था, यहाँ पे भी सेम है, और इसमें भी हमें मोर्टार एंड पेस्टल चाहिए होता है। बस देखो यहाँ पे मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है, हम लोग इसमें सबसे पहले वाटर को गम के साथ मिक्स करते हैं। देखो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ऑयल को जो है गम के साथ मिक्स कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग वाटर को लेंगे और उसको गम के साथ मिक्स करेंगे, यानी वहाँ पे सबसे पहले ऑयल और गम था, यहाँ पे वाटर और गम है, बस इतना ही डिफरेंस है। और उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब ये दोनों जो है मिक्स कर लेंगे और ट्राइचुरेट हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और उसके बाद जो है जब हमारा एक बार ये दोनों मिक्स हो गए तो अब हम इसमें जो है रिक्वायर अमाउंट ऑफ ऑयल को ऐड करेंगे। देखो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑयल और गम को मिक्स कर रहे थे, उसके बाद वाटर को ऐड कर रहे थे, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले वाटर और गम को मिक्स करेंगे, फिर ऑयल को ऐड करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है इसको जो है मिक्स करना कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा प्राइमरी इमल्सन बन ना जाए। और एक बार हमारा प्राइमरी इमल्सन बन गया तो हम लोग इसमें रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करके अपना फाइनल इमल्सन को प्रिपेयर कर लेंगे। और अब बात करें हम लोग अपने बॉटल मेथड की, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे रेशियो जो है 2:2:1 हो जाता है। देखो उन दोनों में रेशियो सेम था, वहाँ पे क्या था 4:2:1, यहाँ पे है 2:2:1, ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखना। अब यहाँ पे जो हमारा बॉटल मेथड है इसको बेसिकली हम लोग जो है हमारे वोलाटाइल और नॉन विस्कस ऑयल्स के लिए यूज करते हैं। देखो वोलाटाइल मतलब क्या होता है, वोलाटाइल हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुले में रखने पर उड़ जाते हैं, ठीक है, यानी हवा में उड़ जाते हैं, जैसे हमारा पेट्रोल होता है, पेट्रोल आप लोगों ने सुना होगा कि अगर खुले में रखो तो उड़ जाता है, तो हमारे कुछ ऐसे ऑयल होते हैं जो वोलाटाइल नेचर के होते हैं, यानी खुले में रखने पर वो उड़ जाते हैं। तो अगर हम लोग जो है अपने वोलाटाइल ऑयल को जो है अपने ड्राई गम और वेट गम मेथड से प्रिपेयर करेंगे तो उसमें देखो हम लोग मोर्टार और पेस्टल में जो है प्रिपरेशन करते हैं तो वो ओपन में होता है ना, तो वहाँ पे हमारा अगर ऑयल जो है वोलाटाइल नेचर का होगा तो उड़ जाएगा, तो हमें जो है हमारा इमल्सन जो है मिलेगा ही नहीं, तो इसीलिए इसमें हम लोग जो है बॉटल मेथड का यूज़ करते हैं। अब बॉटल क्या होता है, बॉटल में हम लोग जो है इसको पैक कर देते हैं तो हमारा ऑयल जो है एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं होता है और उड़ने को नहीं पाता है। और जो हमारे नॉन विस्कस यानी कि जो बहुत ही पतले ऑयल होते हैं, विस्कस मतलब क्या होता है, गाढ़ापन, तो जो गाढ़े ऑयल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ड्राई गम और वेट गम से प्रिपेयर करते हैं, और जो थोड़े मतलब नॉन विस्कस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं और वोलाटाइल नेचर के होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे बॉटल मेथड से प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो एक चीज़ आप लोग और समझो कि ये जो बॉटल मेथड है इसमें प्रोसीजर बिल्कुल ड्राई गम मेथड की तरह होता है, ठीक है,
तो ड्राई गम मेथड में क्या हो जाता है, ऑयल को हम लोग गम के साथ मिक्स करते हैं, तो इसमें भी वही चीज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्राइचुरेशन नहीं होता है, यहाँ पे शेकन होता है, क्योंकि हम लोग बॉटल में कर रहे हैं तो बॉटल को हम लोग शेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले ऑयल को गम के साथ मिक्स करेंगे, फिर शेक करते रहेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड कर देंगे, यानी जितनी ज़रूरत है, और शेकिंग को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा प्राइमरी इमल्सन तैयार ना हो जाए। और एक बार हमारा प्राइमरी इमल्सन तैयार हो गया, फिर हम लोग उसमें रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर को ऐड करके अपना फाइनल इमल्सन को प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम लोग बात करें अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, तो ये है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। अब देखो, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये जो टॉपिक होता है ये होता है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन इमल्सन एंड मेथड्स टू ओवरकम, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा इमल्सन होता है, ठीक है, तो आप लोग को पता है कि वो किसका मिक्सचर होता है, ऑयल और वाटर का। अब देखो, यहाँ पे जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है वो यहाँ पे ऑयल और वाटर को मिक्स तो कर देता है, लेकिन यार देखो क्या है कि अगर हम लोगों ने थोड़ी भी लापरवाही की, ठीक है, यानी हम लोगों ने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, तो वो जो ऑयल और वाटर है वो फिर से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, यानी उनमें हमें सेपरेशन वगैरह देखने को मिल जाता है, और हमारे इमल्सन में जो है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ जाती है। देखो, स्टेबल हमारा इमल्सन तभी तक रहेगा जब ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स रहेंगे, ठीक है। अगर हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट उन दोनों को जब तक मिक्स रखता है तब तक हमारा इमल्सन जो है स्टेबल है, अच्छा है, काम करने लायक है, और अगर एक बार जो है वो स्टेबल नहीं रहा, यानी कि हमारा जो ऑयल और वाटर है वो अलग हो गया, तो हमारा जो इमल्सन है वो अनस्टेबल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से रीजंस की वजह से हमारे इमल्सन में स्टेबिलिटी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी किन किन वजहों से हमारा इमल्सन जो है अनस्टेबल हो सकता है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं, यानी कैसे हम लोग जो है मतलब रोक सकते हैं अपने इमल्सन को अनस्टेबल होने से, या फिर बचा सकते हैं अपने इमल्सन को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, चार ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारा इमल्सन जो है अनस्टेबल हो जाता है, जिसमें पहला है क्रैकिंग है, सेकेंड है क्रीमिंग, थर्ड है फेस इन्वर्जन, एंड फोर्थ है हमारा कोलेसेंस। तो इन चारों को हम लोग जो है एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे क्रैकिंग की, तो इसी को हम लोग यहाँ पे ब्रेकिंग के नाम से भी जानते हैं। और देखो, यहाँ पे इसका नाम क्या है, क्रैकिंग, तो क्रैकिंग मतलब क्या होता है, क्रैक होना, यानी ब्रेक होना, यानी आप कह सकते हो कि अलग हो जाना। तो यहाँ पे देखो, क्रैकिंग में होता क्या है कि जैसे इमल्सन्स की जो दो लेयर होती हैं या फिर दो फेस होते हैं, तो हम लोग को पता है कि इमल्सन में हमारे दो फेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डिस्पर्स्ड फेस और कॉन्टिन्यूस फेस। डिस्पर्स्ड फेस क्या रहता है, जो कम अमाउंट में रहता है, कॉन्टिन्यूस फेस जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है। तो अगर किसी वजह से ये जो डिस्पर्स्ड फेस है और ये जो कॉन्टिन्यूस फेस है, ठीक है, ये यहाँ पे अलग हो जाए, यानी सेपरेट हो जाए, तो हमारा जो इमल्सन है वो यहाँ पे क्रैक हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है और अलग हो जाता है, और इसकी वजह से हमारा जो इमल्सन है वो यहाँ पे बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जैसे ये हमारा एक इमल्सन है, यहाँ पे देखो ये जो ग्लोब्यूल्स हैं ये हमारा डिस्पर्स्ड फेस है, और ये जो मतलब आप लोग को दिख रहा है ये हमारा कॉन्टिन्यूस फेस है। तो अगर कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएं जिसकी वजह से ये जो ग्लोब्यूल्स हैं ये हमारा जो है अलग ही हो जाए, यानी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सेपरेट हो गया, यहाँ पे मान लो अगर ये ऑयल है मान लो और ये हमारा वाटर है, तो ऑयल हमारा अलग हो गया, वाटर हमारा अलग हो गया, यानी दोनों सेपरेट हो गए, तो हमारा इमल्सन जो है अब किसी काम का ही नहीं रहा, बेकार हो गया। तो अब हमारा ये जो क्रैकिंग है ये किस वजह से देखने को मिल सकती है, तो अगर हम लोग जो है रॉन्ग इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि अगर हम लोग सही इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ नहीं करते हैं तो हमें ये क्रैकिंग वगैरह देखने को मिल सकती है, या फिर बात करें तो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर हमारे इमल्सन में बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ हो गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो इमल्सिफाइंग एजेंट्स को ख़त्म कर देंगे, और अगर एक बार इमल्सिफाइंग एजेंट्स ही ख़त्म हो गया तो हमारा जो सेपरेशन है वो तो देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि ऑयल और वाटर मिक्स कैसे रहते हैं, विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो अगर इमल्सिफाइंग एजेंट्स ही ख़त्म हो गया तो हमारा ऑयल और वाटर फिर से अलग हो जाएंगे और हमारा इमल्सन ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि इमल्सन के लिए जो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर होता है, अगर वहाँ पे जो है इमल्सन का टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर का, तो उसकी वजह से भी हमारा जो इमल्सन है वो यहाँ पे सेपरेट हो सकता है और ख़राब हो सकता है। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे क्रीमिंग की, तो क्रीमिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, यानी कि जो हमारा इमल्सन होता है तो उसमें जो हमारी डिस्पर्स्ड फेस होती है तो वो यहाँ पे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में रहती है। तो देखो यहाँ पे देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारा ये इमल्सन है तो यहाँ पे ये हमारी डिस्पर्स्ड फेस है और ये हमारी ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है। तो क्रीमिंग यहाँ पे क्रीमिंग में क्या होता है कि ये जो ग्लोब्यूल्स हैं ये यहाँ पे जो है इकट्ठा होकर हमारी जो इमल्सन है उसके ऊपरी लेयर पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे क्रीमिंग से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो ऐसा हो सकता है कि हो सकता है ये ऊपर जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है नीचे आके इकट्ठा हो जाए।
अब ये जो ऊपर और नीचे वाला सिस्टम है, ये यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारा इमल्सन किस टाइप का है। तो यहाँ पे हमारा जो ओ बाई डब्ल्यू यानी ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है, उसमें हमें जो है देखने को मिलती है अपवर्ड क्रीमिंग, और जो हमारा डब्ल्यू बाई ओ इमल्सन होता है उसमें हमें डाउनवर्ड क्रीमिंग देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग जो है देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा ओ बाई डब्ल्यू है यानी ऑयल इन वाटर इमल्सन है, इसमें हमारी अपवर्ड क्रीमिंग होती है, यानी कि जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है वो यहाँ पे ऊपर जाके जमा हो जाता है, और जो हमारा डब्ल्यू बाई ओ इमल्सन होता है यानी वाटर इन ऑयल इमल्सन होता है, इसमें हमें डाउनवर्ड क्रीमिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आप लोग देखो समझो होता क्या है कि जैसे हमारा ये इमल्सन है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओ बाई डब्ल्यू यानी ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर इमल्सन में क्या होगा, वाटर हमारा कॉन्टीन्यूअस फेस होगा यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, और ऑयल यहाँ पे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होंगे। तो जैसे ये हमारा इमल्सन है और यहाँ पे ऑयल हमारे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप लोग एक बात समझो कि अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो जान लो कि जो ऑयल होता है और वाटर होता है, ठीक है, तो इसमें हमारे ऑयल की डेंसिटी जो है कम होती है, ठीक है, लेस होती है, और वाटर की डेंसिटी जो है हाई होती है, ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो यहाँ पे नीचे रहता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो यहाँ पे ऊपर रहता है। तो अगर ऑयल इन वाटर इमल्सन है तो हमारा ऑयल जो है डिस्पर्स्ड फेस के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे देखो ऑयल की डेंसिटी कम है ना, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे ऊपर जाके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑयल हमारा ऊपर पहुँच जाएगा, वाटर हमारा नीचे रहेगा, तो हमारा जो है ये अपवर्ड क्रीमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर ओ बाई डब्ल्यू इमल्सन है। और यहीं पर अगर हमारा इमल्सन डब्ल्यू बाई ओ है, डब्ल्यू बाई ओ, तो यानी कि ऑयल हमारा कंटिन्यूअस फेस है, ठीक है, ये हमारा ऑयल है, और जो ग्लोब्यूल्स है वो हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर ग्लोब्यूल्स है, ठीक है, वाटर इन ऑयल यानी वाटर जो है ऑयल में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे देखो वाटर का डेंसिटी तो ज़्यादा है, ऑयल का कम है, तो ऑयल तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो ग्लोब्यूल्स हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये वाटर के ग्लोब्यूल्स हैं, तो ये यहाँ पे आके नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है और हमें डाउनवर्ड क्रीमिंग देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे फेस इन्वर्जन की, तो देखो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा इमल्सन है उसका टाइप ही चेंज हो जाता है। जैसे हमारा अगर मान लो ऑयल इन वाटर इमल्सन है, तो वो हमारा वाटर इन ऑयल इमल्सन में कन्वर्ट हो गया, या फिर इसी को वाइस वर्सा यानी इसी का उल्टा, यानी अगर हमारा वाटर इन ऑयल इमल्सन है तो वो हमारा ऑयल इन वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो देखो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारा इमल्सन तो हमारे काम का नहीं रहा ना, क्योंकि हम लोग तो मतलब जैसे मान लो अगर हमें ऑयल इन वाटर इमल्सन चाहिए और बन गया वाटर इन ऑयल, तो हमारे काम का तो बचा नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं, तो हमारा इमल्सन जो है अनस्टेबल हो जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये हमारा ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे कन्वर्ट होकर वाटर के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, यानी हमारा ओ बाई डब्ल्यू इमल्सन डब्ल्यू बाई ओ में कन्वर्ट हो गया, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे क्वेलसेंस के बारे में, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे डिस्पर्स्ड फेस के ग्लोब्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे आपस में मिलके एक बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने से होगा क्या कि जैसे ये हमारे छोटे छोटे थे, अब अगर ये बड़े में कन्वर्ट हो गए तो अब इनका वेट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, और ये हमारे जो है डाउनवर्ड मोशन करने लगेंगे, और हमें वही क्रीमिंग और क्रैकिंग वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा इमल्सन जो है अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मेथड्स टू ओवरकम द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, यानी कि अगर जो सारी प्रॉब्लम हमारे इमल्सन में हो रही थी उसको हम लोग कैसे ओवरकम यानी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है एक प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करें, यानी एक अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग जो है अपनी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग अपने इमल्सन की विस्कोसिटी यानी उसका गाढ़ापन बढ़ा दें तो भी हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। देखो जैसे हमारे क्रीमिंग में क्या हो रहा था कि जैसे हमारा जो वाटर था उसका वाटर जो है डिस्पर्स्ड फेस में जब था तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट करके डाउनवर्ड क्रीमिंग बना रहे थे, तो अगर हमारा मतलब इमल्सन गाढ़ा हो गया तो हमारा वाटर के ग्लोब्यूल्स नीचे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि गाढ़े चीज़ में मतलब इतनी जल्दी मोशन होना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा इमल्सन जो है स्टेबल रह सकता है। और उसके बाद हमने इमल्सन की प्रॉपर स्टोरेज यानी अच्छे से रख रखाव करके भी हम लोग काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं, और एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर को मेंटेन करके यानी कि जितना टेम्परेचर हमारे इमल्सन को रिक्वायर है उस टेम्परेचर में रख के भी हम लोग जो है इसको ओवरकम कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है अब जैसा हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ऑयल क्रीमिंग क्यों होती है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, यानी ऑयल की कम होती है वाटर की ज़्यादा होती है। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि डेंसिटी डिफरेंस जो है मिनिमम हो जाए, यानी ज़्यादा डेंसिटी डिफरेंस रहे ही ना ऑयल वाटर में, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग जो है अपने इमल्सन की स्टेबिलिटी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और वहीं बात करें हम लोग अपने लास्ट मेथड की, तो जो हमारा डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स होते हैं
तो उनके साइज को यहाँ पे रिड्यूस करके यानी कम करके भी हम लोग अपने इमोशन की स्टेबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मेथड्स थे जिनकी वजह से हम लोग अपने इमोशन को स्टेबल बना के रख सकते हैं। और आई होप कि आप लोग को इमोशन टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी मतलब प्रॉब्लम है इमोशन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।